भारी बारिश के बीच केरल के वायनाड जिले में भूस्खलन की एक श्रृंखला के बाद 140 से अधिक लोगों की मौत हो गई और लगभग 186 लोग घायल हो गए। सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान चलाए जाने के कारण सैकड़ों लोग डर के मारे फंस गए। कई परिवारों ने बताया है कि उनके प्रियजनों का पता नहीं चल पाया है। भारतीय सेना ने वायनाड में खोज और बचाव प्रयासों के लिए लगभग 300 कर्मियों को तैनात किया है, जबकि जरूरत पड़ने पर तिरुवनंतपुरम में 140 कर्मियों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। खैर, इस समय बचाव अभियान चल रहा है। भूस्खलन के कारण कई घर नष्ट हो गए, पेड़ उखड़ गए और जल स्रोत तूफान पर आ गए, जिससे बचाव कार्य में बाधा आई है। इसी बीच नौसेना की टीमें और वायुसेना के हेलीकॉप्टर एनडीआरएफ की सहायता के लिए जुटे हुए हैं और सेना की रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने भी पुष्टि की है कि आपदा राहत दल भेजे गए हैं और बचाव कार्यों की टीमों को भी बचाव कार्यों में सहायता के लिए हवाई मार्ग से भेजा जा रहा है। खैर, केरल में लगातार बारिश के कारण बचाव अभियान में बाधा आ रही है और अगले 24 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। खैर, राज्य में 24 घंटों में 372 mm बारिश दर्ज की गई। इससे पहले 4 घंटे में 3 भूस्खलन वायनाड जिले में हुए थे। मौसम विभाग ने वायनाड और कई अन्य जिलों में अगले कुछ दिनों में और अधिक बारिश की भविष्यवाणी की है। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।